शनिवार 12 जनवरी 2019 को राजस्थान पेंशनर समाज का राज्य स्तरीय सम्मेलन जिला चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश महामंत्री संदीप प्रेमशंकर सुमन ने कहा कि राज्य सरकार को पेंशनर की समस्याओं से अवगत कराकर उसके निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। चित्तौड़ जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण दशोरा ने कहा कि पेंशनर की समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराकर पेंशनर को राहत दी जाएगी। आरपीएमएफ में फंड खत्म होता जा रहा है, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर कम होते जा रहे हैं और स्थिति ये है कि दवाइयां समुचित मात्रा में नहीं मिल रही है। इससे पेंशनर्स बहुत दुखी है, परेशान है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है दवा की समस्या है, ये अविलंब दूर की जाए और राज्य सरकार को 150 करोड़ रुपए का जो अन्य जिलों का उपभोक्ता संघों का बकाया चल रहा है उसका भुगतान करें और बजट के अंदर प्रावधान करें कि आरपीएमएफ में निरंतर दवाइयां मिलती रहे और पेंशनर्स की समस्या समाधान हो। आयु के निर्धारण, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमने राज्य सरकार को ज्ञापन दिया है। राज्य सरकार हमें बुलाएगी, आमंत्रित करेगी, तब हम उसका ध्यान आकर्षित कर समस्याओं का समाधान निराकरण करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा चित्तौड़गढ़ का अधिवेशन आज संपन्न हुआ और उसमें हमारे राजस्थान के महामंत्री महोदय प्रेमशंकर जी सुमन और उनके प्रतिनिधि प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पधारे और इसके अतिरिक्त राजेश्वर लाल चोपड़ा पूर्व शिक्षा और निदेशक सुनील कुमार जी झा और बीएस गर्ग और देवीलाल जी आवेरिया एडीएम साहब, तीनों ही प्रशासनिक अधिकारी आरएएस ऑफिसर्स की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। धैर्य कुमार जी ठक्कर ने उद्बोधन प्रदान किया और उद्बोधन के माध्यम से वृद्धावस्था में हमें किन किन बिंदुओं पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम परिवार में सुखी और समृद्धिशाली जीवन बिता सकें। पेंशनर समाज का ये जिला सम्मेलन और चाहे प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हो, करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पेंशनर समाज की गतिविधियां एक दूसरे को सुनने का अवसर मिलता है और उसके ऊपर विचार विमर्श करके और नई योजनाओं की क्रियान्विति के लिए हम लोग बैठ करके और विचार विमर्श कर लेते हैं। मुख्य रूप से पेंशनर्स की समस्याएं और उसके समाधान के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है और क्या समस्याएं पेंडिंग है, उनका निराकरण कैसे सरल तरीके से संभव हो, इसके ऊपर हम लोग बैठ करके और चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और कोई पेंशनर्स की अगर मान लो कोई समस्याएँ हैं तो जिला अधिवेशन में वो स्वयं पेंशनर उपस्थित होकर के और प्रस्तुत कर सकता है, उसके समाधान के लिए हम लोग मिलजुल करके और प्रयास करते हैं।